नमस्कार, मैं नरेश कुमार आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो साथियों, आप सभी के लिए जो है एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ है आज की वीडियो में, तो आप सभी से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है बेहद इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और ज़रूरी एक काम है जो आप सभी छात्रों को जो है एग्ज़ाम से पहले आपको ये करना ज़रूरी है। तो थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि वीडियो में आप मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो उसी के रिगार्डिंग जो आज का वीडियो रहने वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट, तो आपसे गुजारिश करूँगा कि वीडियो को पूरा जरूर सुने। तो साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी आपको दिखाई दे रहा होगा तो उसको भी प्रेस कर दीजिए ऑल नोटिफिकेशन करके, ताकि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है आपकी आईटी से रिलेटेड, चाहे वो एग्ज़ाम हो चाहे वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, तो उसका सभी का अपडेट आपको मेरे चैनल पर जो है रेगुलर आपको मिलता रहता है। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में अभी डीएसटी ने जो है अपनी एक ऐप जो है लॉन्च की थी, निमी मॉक टेस्ट, तो उसके रिगार्डिंग जो है डीएसटी ने अभी जो है एक लेटर भी जारी किया गया है सभी जो है राज्यों को, कि इन सभी राज्यों के अंदर जितने भी जो कैंडिडेट है आईटीआई के, उन सभी के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ऐप है और उसको ज़रूरी है सभी बच्चे जो उसको डाउनलोड करें, उस पर रजिस्ट्रेशन करें और उसके ऊपर जो है अपना मॉक टेस्ट जरूर दें। ये बहुत ही कंपलसरी है, डिस्ट्रिक्ट ने स्पेशल इसके लिए जो है हिदायतें जारी की हैं सभी स्टेट्स को, और इसके रिगार्डिंग मैंने निमी मॉक टेस्ट कैसे यूज़ करते हैं, कैसे सारा टेस्ट कंडक्ट करते हैं, इसके ऊपर भी जो है एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो उसको देख कर जो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डिस्ट्री ने साफ कहा कि सभी छात्रों को इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है और इसके ऊपर जो है मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाना अनिवार्य है आप सभी के लिए। तो इसके रिगार्डिंग जो डिस्ट्री ने जो अभी लेटर जारी किया था सभी राज्यों को, तो उसके अंदर बाकायदा उनको सख्त हिदायतें दी गई हैं कि आप सभी बच्चों को जो है मॉक टेस्ट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाएँ और मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाएँ सभी बच्चों का। तो उन्होंने स्टेट वाइज एक लिस्ट जारी की है जिसके अंदर पूरा डिटेल यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं कि किस राज्य के अंदर जो कितने स्टूडेंटों ने जो है मॉक टेस्ट कंडक्ट किया है, तो ये देख सकते हैं किस स्टेट के अंदर कितने बच्चों ने यहाँ पर किया है। तो नंबर वन से लेकर जो है पूरी सीरियल है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें, तो सबसे ज़्यादा जो है केरला स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने मॉक टेस्ट कंडक्ट किया है, तमिलनाडु ने, गुजरात ने, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तो आप सभी इस लिस्ट के अंदर जो है अपने स्टेट का देख सकते हैं यहाँ पर बाय डाटा कि किस स्टेट के अंदर कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। लेकिन बहुत ही जो है यहाँ पर नंबर जो है आप देख सकते हैं बहुत ही कम ही स्टेट्स के बच्चों ने यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन किया और मॉक टेस्ट कंडक्ट किया है। तो इसके अंदर देख सकते हैं आप नीचे ये नंबर जो है 7-8 ये 9 तक आपका ठीक है, उसके बाद जो सभी स्टेट्स के अंदर जो संख्या बहुत ही ज़्यादा ही कम है, जिसकी गंभीरता से लेते हुए डीएसटी ने सभी स्टेट्स को जो ऑर्डर भी दिए हैं। तो ये सभी छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी सूचना है क्योंकि डीएसटी ने सख्त ऑर्डर दिए हैं, तो आप सभी से मैं भी निवेदन करूंगा कि जो है इस मॉक टेस्ट को जो है आप ज़रूर कंडक्ट करें और इस ऐप को अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो इसको ज़रूर इंस्टॉल करें। तो मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, तो ये निमी मॉक टेस्ट ऐप है, आप इसमें कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आप सिंपली अपने मोबाइल के अंदर गूगल प्ले स्टोर के अंदर निमी मॉक टेस्ट ऐप के नाम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका सिंपल पर्पज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ही कि एम्पावर एवरी आईटीआई स्टूडेंट टू एक्सेस हिमसेल्फ एंड प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऐप आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम होने हैं आने वाले समय में, तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो लगभग जो यहाँ पर पैटर्न इन्होंने थ्योरी का दिया है यहाँ पर स्टडी के लिए, तो लगभग उसी में से ही ज़्यादा आने के चांसेस है। तो इसके रिगार्डिंग आप सभी को ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फ़ोन के अंदर इस ऐप को इंस्टॉल करें और इसके ऊपर जो मॉक टेस्ट कंडक्ट करें। तो कैसे कंडक्ट करेंगे, कैसे इंस्टॉलेशन रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग जो मैंने वीडियो बनाया था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख कर जो इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इसके अंदर कौन कौन इस ऐप को यूज़ कर सकता है, जितने भी आई टी आई के स्टूडेंट्स हैं, अप्रेंटिसशिप के स्टूडेंट हैं और जितने भी आई टी आई के जो आपके टीचर्स हैं, इंस्ट्रक्टर हैं या कोई इंडस्ट्री का पर्सन ऑफिशियल है, वो सभी इस ऐप को यूज़ करके जो अपना टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। आउटकम यहाँ पर क्या है, सेल्फ असेसमेंट मॉक टेस्ट है, आप खुद ही अपना असेसमेंट देख सकते हैं कि आपने टेस्ट में कितना कंडक्ट किया है, कितना स्कोर किया है।
स्टेट वाइज जो बच्चे अपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्लास वाइज कॉमन एग्जामिनेशन है, परफॉर्मेंस एनालिसिस है, यहाँ पर रिपोर्ट ऑफ एरर इन क्वेश्चन बैंक, तो पूरा यहाँ पर आपको क्वेश्चन बैंक की सीरीज मिलेगी आपको। चाहे आप जितनी मर्जी बार आप यहाँ पर ऑनलाइन मॉक टेस्ट देकर अपनी जो है सीबीटी एग्जाम की प्रिपरेशन जरूर करें। तो यहाँ पर पूरा जो है यहाँ पर गाइडेंस यहाँ पर डीएसटी के द्वारा इस ऐप के बारे में दिया गया है, तो इसको जरूर आप इंस्टॉल करें, मैं आपको यही दूंगा। तो इसके अंदर जो पूरा यहाँ पर दिया गया है कि यूजिबिलिटी है, अपडेट लगातार आती रहती है, तो सारा यहाँ पर दिया गया है कि ट्रेनिंग के लिए क्या फैसिलिटी है, कि वो जो अपने क्वेश्चन पेपर जनरेट कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, खुद को असेस कर सकते हैं कि कितने आप सही हैं, आपके क्वेश्चन वगैरह आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, अपने करेक्ट आंसर देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये सारा कुछ आपकी सहूलियत के लिए डीएसटी ने जो यहाँ पर किया है, तो ये देख सकते हैं। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि लॉग इन या साइनअप, तो आपको सिंपली साइनअप करना है। तो साइनअप पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास इस तरह का स्क्रीन खुलेगा, तो वहाँ पर आपको जो आईटी के स्टूडेंट है वो सीटीए स्टूडेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, जो सीटीए के स्टूडेंट है वो सीआईटी स्टूडेंट के ऊपर, और जो आपके इंस्ट्रक्टर वगैरह है वो बाकी सारी इन नीचे वाले पर करेंगे। जो आईटी के स्टूडेंट है वो सीटीए स्टूडेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपने नेक्स्ट जो आपका पेज खुलेगा वो इस तरह से आपका जो है ओपन होगा डैशबोर्ड। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है न्यू टेस्ट, तो न्यू टेस्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद में ये आपसे जो है आपकी जो डिटेल पूछेगा कि आप किस राज्य से, किस स्टेट से है, आपने अपनी ये प्रोफाइल यहाँ पर क्लिक जो क्रिएट करनी है, और यहाँ पर आईटी का कोड है वो आप अपनी आईटी से, अपने इंस्ट्रक्टर से, आपके क्लास इंचार्ज हैं उनसे आप पता कर सकते हैं कि आपकी आईटी का कोड क्या है, तो ये डालना अनिवार्य है। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद इस तरह से नया आपका जो है विंडो ओपन होगा, उसमें आपने जो है अपना सारा डिटेल यहाँ पर फिल करना है, जैसे जैसे ये मांगता रहेगा आपको स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर जो है आपने अपना आईटीए का नेम ये आपका इस तरह से खुलेगा, आपने अपनी सबसे पहले ट्रेड सेलेक्ट करनी है, अपने पैटर्न सेलेक्ट करना है, एनुअल है आपका, उसके बाद लैंग्वेज आप हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप 25 क्वेश्चन वाला अटैम्प्ट करना चाहेंगे या 50 क्वेश्चन वाला, तो उसको आपने अटैम्प्ट करना है, जो उनसे भी आपको चॉइस है। उसके बाद आपने इसको सिंपली सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद इस तरह से जो है नया आपका ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आपने इनको करेक्ट आंसर करने हैं, और यहाँ पर टाइमर भी चलता रहेगा। तो आपने सिंपली इसको जो सारा कंडक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर इसको फाइनल सबमिट कर देना है आपने। तो इस तरह से पूरे जितने भी आप क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे तो वो आपके इसके अंदर जो ऐप में चलते रहेंगे, फाइनल जाके आपने यहाँ पर इसको सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद जो है इस तरह से परफॉर्मेंस आप अपनी चेक कर सकते हैं कि कितने आपने क्वेश्चन यहाँ पर सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, पूरा सारा कुछ बाय डाटा इसके अंदर आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छी ऐप है साथियों, तो आप सभी से ये निवेदन करूँगा, क्योंकि डीएसटी ने स्पेशल सभी स्टेट्स को बोला है कि इसको आपने ज़रूर इंस्टॉल करवाएं अपने सभी बच्चों को, और इसके ऊपर मॉक टेस्ट कंडक्ट जरूर करवाएं। तो आपसे ये निवेदन करूंगा, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए। एक तो इससे आपकी जो है एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, तो आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन के अंदर कोई भी किसी तरह की जो है आपको दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पर। तो यही आज का हमारा जो है लेटेस्ट अपडेट था आप सभी के लिए। तो जल्द से जल्द जो है आप इस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, हो सकता है थोड़ी बहुत टेक्निकल इशू इसमें थोड़ा चल रहा है, तो उसको रीट्राई करते रहिए, तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ये इन्फॉर्मेशन सभी स्टूडेंट्स को ज़रूर बताएं आप अपने साथियों को, ताकि वो भी जो है समय रहते इस पर रजिस्ट्रेशन करके अपना मॉक टेस्ट कंडक्ट करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आप सभी का, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ।